एशिया कप 2023 का आगाज कल से 30 अगस्त 2023 से हो रहा है, जिसका कल पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में कल 2:30 बजे शुरू होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो क्या होनी चाहिए। इसमें ओपनिंग बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान के फखर जमान और इमाम उल हक ही होंगे। वन डाउन पे जो है कैप्टन बाबर आजम, उसके बाद नंबर 4 पे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे साउथ शकील जो है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, उनको खिलाया जा सकता है। नंबर 6 पे सलमान अली आगा हैं। नंबर 7 पे लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद निवास हो सकते हैं। नंबर 7 पे यहाँ पे मोहम्मद निवास, नंबर 8 जो है वो शादाब खान होंगे, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और खासी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। नंबर 9 पे शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 10 पे नसीम शाह, नंबर 11 पे आर एस रऊफ होंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। साउथ शकील को अगर मिस आउट किया जाता है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे इफ्तिखार अहमद को खिलाया जा सकता है। लेकिन एक ही टीम में सलमान अली आगा, इफ्तिखार और निवास का खेलना जो है वो पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है उसको ये कमज़ोर कर सकता है। नंबर 1 पे फखर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम, नंबर 3, नंबर 4 रिजवान, नंबर 5 साउथ शकील, नंबर 6 सलमान अली आगा, नंबर 7 निवास। 8वें नंबर पे आएंगे शादाब खान और 9वां नंबर होगा शहनशाह अफरीदी का, और 10वां नंबर जो है वो नसीम शाह का, और 11वां और आखिरी नंबर जो है वो आर एस रऊफ का होगा। 3 इसमें पाकिस्तान के पास मेन फास्ट बॉलर हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस राव। इसके अलावा शादाब खान, मोहम्मद निवास जो है ये स्पिन